close till I get up. Time is so guys, good night. Alright, so hey guys, what's up everybody, it's your boy Shimisha, welcome back and begin with the new video. So guys, welcome to my new video. So guys, we're going to start with this video. If you like this video, like and comment and video share karna. And please don't forget to subscribe my channel guys. First of all, sabko sorry yaar. एक दिन मेरा गैप हो गया गाइस. एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था एंड ना कुछ रिलेटिव लोग आ गए थे एंड मेरे पास स्टॉक में ना एक भी वीडियो नहीं थी. इसकी वजह से मेरे उस समय मतलब थोड़ा सा गैप हो गया एक दिन का. सो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस. एक्चुअली ना मैं दो तीन दिन थोड़ा सा वेल भी नहीं था एंड ना मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था एंड ना उसी दिन ना रिलेटिव भी आ गए. मैं सोचा था वीडियो शूट करूँगा बट रिलेटिव आ गए एंड मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी. इसकी वजह से गाइस एक दिन का गैप हो गया एंड सो सॉरी. बट उसके लिए मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दिया था एंड गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज ना आज मैं कॉलेज नहीं गया था एंड अभी आज मैं सुबह जल्दी उठ गया. अभी बज रहा है सिर्फ 11:15 एंड आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था. मैंने एक बार सुबह सुबह उठा था करीब 8 बजे. अन्नो को गया स्कूल ड्रॉप करके आया एंड देन आके वापस सो गया एंड अभी मैं उठा हूँ. अभी बज रहा है 11:15. आज थोड़ी सी जल्दी उठ गया एंड कल रात को मैं बाहर गया था जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं बाहर जाना था. सो मैं वहाँ से भी आया ना तो बहुत ज़्यादा मैं थक गया था एंड मैं अराउंड कल जल्दी सो गया था अराउंड 1 o'clock के आसपास. एंड आज भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया. 11 बज रहा है अभी एंड मैं ब्रश ना सुबह कर लिया था. अन्नो को छोड़ के आया था ना मैं स्कूल तो मैं ब्रश करके लेटा था कि मतलब उठूंगा तो बस केवल खाने का रहेगा वरना ना बहुत ज़्यादा कंटाला आता है. सो अभी मैं जस्ट सोके के उठा हूँ. चलते थोड़ा सा मुँह धुलते एंड कुछ खाते गए क्योंकि ये भूख कल रात को भी मतलब मैं आया था थका था ना बहुत थोड़ा सा खाया था एंड अभी भी मतलब इतना लेट हो गया है. मेरे को ना अर्ली मॉर्निंग खाने की याद है ना सुबह सुबह कॉलेज खा के जाता था. नाश्ता आ गया गाइस एंड नाश्ते में पराठा एंड रोटी है एंड टीवी चालू करते हैं. मैंने कल भी टीवी थोड़ा सा भी नहीं देखा था मतलब आने के बाद मैं थोड़ा सा देखा था बस माइंड को रिलैक्स करने के लिए. रात का नशा अभी होठों से गया नहीं. नो 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 देखेंगे गाइस. आप लोगों ने कांतारा देखा क्या? हम लोग देखेंगे ये भाई क्या ही वेब सीरीज है यार. रात का मैंने सुना है ना बहुत अच्छा वेब सीरीज है. सो इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. नाश्ता करते गाइस फटाफट सबसे पहले. सो गाइस अभी मैं नाश्ता तो कर लिया एंड मुझे अभी भी लगी एकदम भयंकर वाली नींद भाई. मैं इतना बहुत ज़्यादा थक गया. टाइम देख रहे हो भाई कितना हो रहा है? 11:30 बजे. मैं कितने दिन बाद इतना ज़्यादा सोया हूँ. बहुत ज़्यादा दिन बाद. जब से मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना कभी कभार का दिन ऐसा रहा रहेगा जिस दिन मैं 7-8 घंटे सोया रहूँगा. बहुत कम वरना मेरे को सोते सोते अराउंड 2 o'clock हो जाता था एंड फिर मैं सुबह अराउंड 5 बजे के आसपास उठता था एंड कॉलेज जाने के लिए रेडी होता था. एंड ना इसके पहले जो डेट्स थे ना कॉलेज के टेस्ट हो गया सरप्राइज टेस्ट हो गया सेमेस्टर का प्रिपेयर हो गया प्रेजेंटेशन हो गया ये सब था. सो ना बंक तो कर ही नहीं सकते थे. अभी फ़िलहाल ना कॉलेजेस में डेज चालू है मतलब क्या बोलते हैं टाई डे साड़ी डे ट्रेडिशनल डे ऐसा पता नहीं कौन कौन सा डे चालू है. इसके लिए मैं छुट्टी करके रखा हूँ. मुझे ना इस सब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. मुझे ना 2-3 चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. मैंने कभी नहीं किया है. एक तो मैं ना कभी टिफिन लेके जाता हूँ ना बॉटल लेके जाता हूँ ना मैं तुरंत बुक कंप्लीट करता हूँ एंड ना मैं ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ. पता नहीं क्यों मेरी बचपन से हैबिट है. मैंने आज तक शायद ही मतलब बचपन में तो याद नहीं है मेरे को बट जब से मेरे को याद है मैंने कभी भी टिफिन नहीं लेके गया रहे कभी भी वाटर नहीं लेके गया रहेगा ना स्कूल में ना अभी मैं कॉलेज में लेके जाता हूँ.
एंड भाई छुट्टी तो वैसे मिलती नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थका रहता था। सो अभी ये डेज चालू था तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है कुछ दिन का रेस्ट मिल रहा है सो ले लेते हैं। एंड अभी जस्ट मैं खाना खाया एंड मुझे ना वापस से बहुत भयंकर वाली नींद लग रही है, सोच रहा हूँ 1 घंटे और सो जाता हूँ। एक्चुअली गाइस ना मुझे ना कल बाहर जाना था, अपना इधर मुलुंड जाना था, स्कूल से ना पासिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा था। एक्चुअली बहुत दिन पहले मिल रहा था बट मुझे ना पता नहीं था। जानता तो बैठ के बात करता हूँ भाई, लेटा रहूँगा तो नींद का भयंकर वही लग जाएगी। एक्चुअली स्कूल से ना मैसेज बहुत पहले आ गया था कि आपको पास सर्टिफिकेट लेने आना है, बट आई डोंट नो कि कैसे ना मैं ग्रुप से ना एग्जिस्ट हो गया था, मैंने किया नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया था। सो मुझे मिला नहीं था। सो मैं अपने फ्रेंड से ना बात कर रहा था एक दिन, तो उसने मुझे बताया। सो मैं सोचा कि जा करके लेके आ जाता हूँ। एंड ना मैं क्रिसमस भी आ रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई आ जा मिल लेते हैं मिल लेते हैं, तो मैं बोला चलो ठीक है एक बार जाके आते हैं। एंड भाई इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी ज़्यादा ना हालत ख़राब हुई मेरी। मैं ना गाइज यहाँ से सोचा था कि मॉर्निंग में निकलूँगा, बट ना मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ हो जाती है। एंड फिर मैं सोचा था कि ठीक है थोड़ा लेट निकलता हूँ, मैं सोचा 11 बजे तक निकलूँगा, बट ना यहाँ से मुलुंड जाने में अराउंड 1 घंटा लगता है, फिर वहाँ से बस लेके जाने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। एंड स्कूल मेरे को लगता है 12 बजे तक ही रहता है, सो मुझे 12 बजे से पहले पहुँचना था। सो मैंने डिसाइड किया कि 9 बजे, कल मैं जल्दी थोड़ा सो गया था करीब 1 बजे के आसपास। एंड मैं सुबह उठा 8 बजे, बस फ्रेश हुआ और तुरंत निकल गया खा पी के। एंड मेरे को आते आते भाई इतना लेट हो गया, मैं आया 8 बजे करीब। मैं वहाँ से निकला, आया स्टेशन, स्टेशन में 3 ट्रेन छोड़ी, एकदम भरी थी भाई करीब 5 बजे के आसपास, एकदम भाई भयंकर जगह नहीं थी पैर रखने की, इतनी भीड़ थी। तो मैं डिसाइड किया मैं मुलुंड से थाने गया, थाने से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ा, फिर कल्याण आया, 2 ट्रेन चेंज करके आया। एंड भाई इतनी भयंकर भीड़ थी ना, दूसरी ट्रेन में भी भीड़ थी, बट ये था कि मतलब उधर मतलब बैठने की जगह तो नहीं थी बट खड़े रह सकते थे आराम से ऐसा। एंड मैं कंटिन्यू मतलब वो अमरनगर में भी ना चल रहा था, ये वो कर रहा था। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, फिर वहाँ से मैं आया ना थोड़ा सा टीवी देखा, रिलैक्स हुआ एंड फिर खाना पीना खाया दोस्तों के साथ और नीचे गया एंड फिर सो गया। एंड अब भी मैं सीधा उठ रहा हूँ। एंड मैं कॉलेज ना इसके लिए नहीं गया, मैं थोड़ा सा मतलब थका हुआ भी था एंड डेज चालू है सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं डेज। सो आज अभी मैं सोचा थोड़ा सा सो लेता हूँ। सो अब भी चलते थोड़ा सा और सो लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आप लोग से जब मेरी नींद खुलेगी तभी। कितना मज़ा आता है गाइस, मतलब सच्ची में ना स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत मज़ा आता है करने में, मतलब जब जाग जाग के आपको अपना काम पूरा करने का रहता है ना सो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्टार्टिंग में कुछ दिन तो बहुत हार्ड लगता है बट फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ कुछ तो है। जब से मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ, मालूम है मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा कुछ तो बोलते हैं, मेरे को माइंड नहीं आ रहा, अभी नींद लगी ना तो मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। सो गाइज गुड नाइट, गुड नाइट। भाई ऐसी चाहू ठंडी लग रही है। अरे जाओ गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग यार, मैं सोया था 2 घंटे के लिए एंड अभी आप टाइम देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, टाइम देखो गाइस कितना हो रहा है, 2:30 बजे भाई, 2:30। सबसे पहले ए सी बंद करते गाइस, ठंडा हो गया है मौसम एकदम। सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले पानी पीना चाहिए, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं खांसी नहीं मतलब बिना ब्रश के पीना चाहिए, बट कोई नहीं हम एक बार ब्रश खाने के बाद भी पानी पीते हैं। सो पानी पीते थोड़ा चलते मतलब बैठते बाहर थोड़ा सा एंड फिर नहा लेता हूँ गाइस। अभी बाहर ऐसे निकलूँगा मम्मी बोलेगी गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठा सोकर। देखो इस कल ना मैंने इसमें अमरनगर जाने से पहले ना इधर डेयरी मिल्क सिल्क बड़ा वाला
एंड डार्क का चॉकलेट रखा था। अर्नब पूरा खा गया, दोनों भी खा गया। देखो भाई हॉल में क्या चालू है, मूवी शो भी देख रहा है भाई। बाहर कितनी भयंकर वाली धूप हुई है यार। धूप देखो भाई कितनी भयंकर हो रही है, 3 बजे इतनी भयंकर धूप हो रखी है। कल ना वॉशिंग मशीन में पैसे गिर गए थे, बट आज सब गायब हो गए, सब धुलने वाले ने ले लिए। वैसे ये टी शर्ट मेरे पर कितना भंगी जैसा लगता है ना, गंदा लगता है एकदम। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं वाला टी शर्ट। बस मैं घर पे पहन के सोने का आया था ना, तो पहन के सो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो नया कपड़ा पहन के अगर सोएंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा ना, इसके लिए मैं ये पहन लेता हूँ। बट मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है वाला टी शर्ट, मैं बाहर कभी नहीं पहनता, आपने कभी नहीं देखा रहेगा। बस सोने के टाइम पहनता हूँ, सुबह निकाल लेता हूँ। सो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, फटाफट नहा के आते हैं, वरना मम्मी डंडे से मार के भगा देगी घर से बाहर। यो गाइस, ये है हमारा साथी, इसके बिना इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड कैसे होगी आप बताओ। सो इसको थोड़ा साफ रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं मेरे घर में नहीं रखते। देखो एक कचड़ा इधर है, नहीं तो लाइट है यार, ये 2-3 कचड़े हैं इसके ऊपर। ये रहा मेरा पोछा, मैं खुद ही पोछ लेता हूँ इसको। अपना काम स्वयं करो, हो गया। सो भाई अभी मैंने नहा लिया, एंड नहा के ना मज़ा आ गया भाई। गर्मी का टाइम तो है नहीं, फिर भी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही है अंदर। मतलब आप समझ सकते हो, अगर एसी या फिर फ़ैन चालू करके सोने की जरूरत पड़ रही है, सो कितना ज़्यादा गर्मी लगता रहेगा। एंड अभी जस्ट मैं नहा गया भाई, नहाने मतलब एक बार नहाने का मन नहीं करता, बट अगर एक बार आप नहाने बैठ जाओ ना, सो उठने का मन नहीं करता। मम्मी भी कभी कभी चिल्लाती कि मतलब शावर चालू है, कितना टाइम से नहा रहा है, कंटिन्यू शावर जरा चालू रहता, कितना पानी वेस्ट करता, ये वो। बट मैं तो इग्नोर करता भाई, एक बार मतलब नहाने अगर आप बैठ गए ना, सो कुछ भी हो जाए उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। एंड कौन हॉर्न मार रहा है, आ जा, तेरी तो कमी थी। नहीं हॉर्न ही मार लेगा ना, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा हॉर्न मारेगा नॉइस हो जाएगा। भाई देखो अभी तक मैं अंदर था, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, कोई नॉइस हो ही नहीं रही थी। अभी मैं जैसे बालकनी में आया वीडियो शूट करने के लिए, वापस से नॉइस होना चालू हो गया, क्या करे। सवाल अभी ना फेस पे कुछ अप्लाई करते हैं, एक्चुअली क्या ठंडी में ना थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। एंड भाई स्किन केयर करना ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हम भी फेस पे कुछ ना कुछ लगाते हैं भाई, हम ज़्यादा मेकअप तो नहीं करते लड़की लोग के जैसा, बट थोड़ा तो सेफ सिक्योर करते हैं अपने फेस को। सो चलते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, बाद में थोड़ा ऑयल लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा सा भूख लगी, मैं पहले बताया था आप लोग को। सो कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं चलता थोड़ा दोस्त लोगों के साथ, उनको बाहर जाना है। सो उधर बाहर जाके आएंगे, उसके बाद आज क्लास भी जाना है, मैं 2 दिन से क्लास भी नहीं गया हूँ। सो चलते फटाफट खाना खाते हैं, देन चलते दोस्त लोगों के साथ बाहर। एंड क्लास के टाइम पे मैं रिटर्न आ जाऊँगा, एंड फिर चलूँगा क्लास। मेरे को चाहिए रहेगा तो मैं बैग लेके इधर से जाता हूँ, बैग को डिग्गी में रख दूँगा स्कूटी के, एंड वहीं से सीधा क्लास चला जाऊँगा। सो देखते क्या हमारा प्लान होता है, पहले चलते भाई बाल को सेट करते हैं। सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। सो गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, भाई आ जाओ यार, सब लोग आ जाओ। मैं ना बालकनी में वीडियो बनाने छोड़ देता हूँ भाई, क्या करूँ यार, अंदर सब लोग सो रहे हैं ना। हाँ सो गाइस मैं क्या बोल रहा था, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है गाइस, सो क्या कर रहे हो आप लोग। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी मेंशन कर रहा हूँ, यूज़र नेम मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे अभी कभी फॉलो करो। वहाँ पे मैं डेली रील्स भी अपलोड करता हूँ, देन आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, जोश मोज, MX टकटक, सारे ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ गाइस। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप मेरा नेम जाके हर ऐप पे सर्च कर सकते हो। सो गाइस देखो मैं फेस के लिए यूज़ करता हूँ, फ्रूट्स का है, जॉय स्क्रीन फूड है फेस के लिए सिर्फ, एंड बाकी बॉडी के लिए ये यूज़ करता हूँ। बोरो प्लस का है, 24 आवर मॉइस्चराइजेशन। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go. फिलहाल बाल सेट करते हैं, ये कॉम से नहीं करते, दूसरे से करते, समझ नहीं आ रहा है।
हम करेंगे ये वाला पंप यूज, इससे बाल ना फटाक से सेट हो जाता है। अभी देखो यो बाल हुआ सेट, मेरा लगदा ना जी, एंड बाल से सेट करने का, फिर यो ऐसा नीचे कर लेने का, हो गया। सो गाइस अभी मैं रेडी हूँ नीचे जाने के लिए, अभी मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ एंड पूछता हूँ कहाँ जाना है एंड कितना टाइम लगेगा, एंड उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि आगे का हमारा प्लान क्या है। तब्रेश भाई भाई मूछों को ताव देकर रखने का, समझे क्या? सो चलते हैं उसको कॉल करते हैं गाइस। सो अभी मेरा बात हो चुका है मेरे फ्रेंड लोग से, सो अभी हम लोग आधे घंटे में निकलने वाले हैं एंड हमें जाना है कहीं और नहीं, उल्लासनगर जाना है थोड़ा काम से। सो खाना खा रहा हूँ फिलहाल मैं, मम्मी निकाल रही है मेरा खाना एंड जब तक खाना खा रहा था तो देख रहा हूँ टीवी। पर नहीं गैंगस्टर है तू, रैपर नहीं डांसर है, ये लगा मेरा मेरा लगा ना लगा ना देखो गाइस ये वीडियो मेरी। बेटा राजू मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, एक टाइम मैं ये करता था तभी मैं इससे एवेंजर्स से इंस्पायर्ड था, क्योंकि भाई उस टाइम पर रियल इतनी वायरल होते थे ना, क्या ही बताऊँ आप लोग को। तू मान मेरी जान भाई, एक टाइम पे ना मुझे ना रील्स और रील्स बोला शॉर्ट्स का भी शौक था, उस टाइम पे वायरल बहुत होते थे ना, मेरे मतलब बड़ी वीडियो नहीं चलते थे, तो मैं सोचता था चलो ठीक है शॉर्ट्स डालते हैं, मेरे को टाइम भी नहीं था, बट अभी तो मैं डालता हूँ बरोबर सब कुछ। फिर मैंने ना डेली ब्लॉगिंग का डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि अभी सिर्फ मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा, शॉर्ट्स नहीं डालूंगा। भाई चलते खा लेके आते हैं। हस्ती ब्रो सो अभी मैंने खाना भी फिनिश कर लिया है एंड अभी मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, मैंने दोस्त से बात कर लिया है एंड वो मुझे हाईवे पे मिलने वाला है खड़कपाड़ा के। सो मुझे यहाँ से खड़कपाड़ा सर्कल के सिग्नल हाईवे तक अकेले जाना पड़ेगा। सो मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि बाइक से मेरा भाई जाएगा बाहर एंड दूसरी बाइक लेके नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि उसमें पेट्रोल थोड़ा सा मेरे को भराना पड़ेगा। अभी स्कूटी में जल्द में पेट्रोल भराया गया था, सो हम लोग चल के आते हैं। तेरे लिए Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left.